हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट पे होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मेनली होता क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज पिछले वर्ष से अधिक होता है। तो इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट केस में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है पिछले वर्ष से अधिक होता है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज हमेशा सेम रहता है, हर साल क्या होता है, ब्याज एक ही तरीके का होता है। मानिए 100 रुपये आप लगा रहे हैं मूलधन और 5% रेट है, तो हर साल कितना रुपया मिल रहा है आपको, 5 रुपया मिल रहा है। पहला साल भी 5 रुपया मिलेगा, दूसरा साल भी 5 रुपया मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहला साल तो आपको सेम रहेगा 5%, लेकिन दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल अलग अलग ब्याज मिलेगा आपको, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, एक वर्ष तक का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही नियम से निकलेगा। कौन सा नियम, तो P×R×T/100। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज प्लस रेट का स्क्वायर 0.2 अंकों के बाद लेना है। ये 2 साल के लिए, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े 2 साल के लिए, तो आप एक फॉर्मूला अपना सकते हैं। कौन सा, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में भी, a+a(a)(a)/100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो 10 + 10 + 10×10/100। तो कितना हो गया हमारा, 10 + 10 = 20 और 21%। कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, 21% हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज परसेंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज प्लस रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद। तो देखिए दोनों का कितना आएगा, 81% आएगा। इस फॉर्मूला से भी अपना के देख लेते हैं, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू यानी CI percentage = SI percentage, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो रेट इंटू टाइम को क्या करते हैं हम लोग, SI परसेंट निकालते हैं। तो रेट कितना है हमारा, 10 है और टाइम कितना है, 2 है, यानी कितना हो गया हमारा, 20%। यहाँ 20% लिख दीजिए प्लस में। अब क्या करना है आपको, रेट का स्क्वायर करना है। तो रेट कितना है हमारा, 10% है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो आप 100 लिखिए, 100। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.2 अंकों के बाद, यानी 0.2 अंकों के बाद 1, 2 और 0, यानी कितना हो गया हमारा, 1.00, यानी कितना आ गया हमारा, तो यहाँ भी आपका 21% आ गया, यानी CI% कितना आ गया, 21% आ गया। और डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी a+a + a×a/100, उससे भी कितना आ गया हमारा, 21% आ गया दोस्तों। तो आप मेनली याद कर सकते हैं कि CI% फॉर 2 ईयर a+a + a×a/100, ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लाभ बना सकते हैं, CI% = SI% + rate² और 0.2 अंकों के बाद। ठीक है, और इसी फॉर्मूला से दोस्तों एक चीज और आपको क्लियर हो गया, क्या हो क्लियर हो गया, तो CI% - SI% इसका लो कितना हो गया हमारा, रेट का स्क्वायर 0.2 अंकों के बाद। ठीक है, ये आपको एक और फॉर्मूला इसी से आ गया, CI% - SI% क्या आ गया हमारा, रेट का स्क्वायर 0.2 अंकों के बाद। ठीक है, इसी फॉर्मूला से आ गया ना। तो फ्रेंड्स आइए और भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से संबंधित और भी बेसिक हमारा क्लियर हो पाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे और भी बेसिक क्लियर होगा आपका। तो क्वेश्चन हमारा है, रेट दिया हुआ है, रेट 9%, टाइम 2 ईयर और फाइंड CI - SI। तो फ्रेंड्स CI - SI का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, रेट का आपको स्क्वायर करना है और 0.2 अंक के बाद। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं CI - SI। तो आइए निकालते हैं हम लोग CI - SI, रेट का स्क्वायर करना है, रेट कितना है, 9% है, 9% का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और 0.2 अंकों के बाद 1, 2
यानी 0.81% आ गया। कितना ये परसेंटेज में आएगा? 0.81%। अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा तो प्रिंसिपल का आपको निकालना है 0.81%, तो आपका आ जाएगा रुपये में, आ जाएगा सीआई में देता है कितना रुपया है। लेकिन यहाँ रुपये का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको सिर्फ निकालना है सीआई में देता है। तो परसेंटेज कितना आ गया हमारा? 0.81% आ गया। तो फ्रेंड्स आइए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 3 साल के सीआई परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीआई परसेंट जब भी निकालना रहेगा तो आपको क्या करना होगा, एसआई परसेंटेज प्लस एसआई इनटू आर डॉट आर क्यू, और सभी दो दशमलव लेना क्या है, दशमलव दो अंकों के बाद लेना है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो जब भी इस तरह कंडीशन रहे और 3 साल का निकालना रहे तो आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सीआई परसेंटेज इक्वल टू एसआई परसेंटेज प्लस एसआई इनटू आर डॉट आर क्यू। क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे सॉल्व निकालना है वो आइए सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एसआई परसेंट निकाल लीजिए। एसआई परसेंट कैसे निकालते हैं, तो डेट इंटू टाइम यानी 8 × 3 कितना हो गया हमारा 24%। एसआई परसेंट कितना हो गया हमारा 24% हो गया। आर क्यू क्या दिया हुआ, आर क्यू यानी आर का क्यूब कितना होता है 500। इधर से स्टार्ट करना है आपको, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। आर क्यूब कितना हो गया हमारा 512, आर का क्यूब कितना होता है 512। तो आपको दो अंकों के बाद ही लेना है यानी 12 लेना है, 12 5 आपका बाकी हो गया, 12 हो गया आपका, तो 12 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, एसआई इंटू आर यानी एसआई कितना निकाले हैं 24 और आर कितना है 8 है, तो 24 अटे कितना होता है हमारा, तो 192 होता है, 192 होता है। और 5 बचा हुआ था उसको जोड़ देना है यानी कितना हो गया हमारा 197। तो आपको दो अंक ही लेना है, तो 97 लिए। अब कितना बाकी बचा, एक बच गया प्लस, अब कितना है एसआई परसेंटेज कितना है 24% है और एक बचा हुआ था, तो कितना हो गया हमारा 25। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 25.9712 कितना हो गया हमारा 25.9712। यहाँ प्लस के बाद क्या करना है आपको, दशमलव ही में लेना है। शुरू में देखिए पॉइंट आर क्यूब, पॉइंट इसको तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर क्यूब किए हम लोग, 8 का क्यूब किए तो 512, 12 ले लिए, दो अंक ही लेना था तो 12 लिए, 5 कैरी हो गया। फिर एसआई इंटू आर करना है आपको यानी 24 × 8 192 होता है और 5 बाकी था 197 हो गया, तो 97 ले लिए और एक कैरी हो गया। फिर क्या करना था आपको, अब दशमलव लेना था, दशमलव डाल दिए। उसके बाद एसआई परसेंटेज कितना था 24% निकाले थे उसमें एक जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा 25 हो गया, यानी कितना हमारा आ गया 25.9712% हमारा क्या आ गया सीआई परसेंटेज, कितना आ गया हमारा, तो 25.9712। कब निकलेगा ये हमारा, तो जब भी 3 साल रहे, रेट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीआई परसेंटेज का कितना होता है हमारा, तो एसआई परसेंटेज डॉट एसआई इनटू आर डॉट डॉट नहीं आर क्यूब, ठीक है। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी हमारा दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, दिया हुआ है आपका रेट, दिया हुआ कितना रेट है हमारा 5%, रेट है 5%, ठीक है। टाइम थ्री ईयर हमें निकालना है, क्या निकालना है सीआई परसेंटेज। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सीआई परसेंट क्या होता है, तो आपको एसआई परसेंटेज डॉट एसआई इनटू आर कॉमा आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, इधर से निकालना है आपको राइट हैंड साइड से, 5 का क्यूब कितना होता है हमारा, तो 125, तो 125 होता है तो दो अंक लेना है यानी 25 ले लिए, एक हमारा कैरी हो गया। एसआई इंटू आर, एसआई कितना हो गया हमारा, तो एसआई हो गया हमारा कितना, तो 5 × 3 यानी 15% हो गया एसआई, एसआई परसेंट कितना हो गया 15% हो गया, तो एसआई हमारा 15 आ गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है यानी 75 हो गया, और 75 एक कितना हो गया 76 यानी 76 लिख दीजिए आप। पॉइंट अब क्या करना है, पॉइंट एसआई परसेंट कितना है 15, तो 15 हो गया यानी कितना आंसर हो गया समझ लो, तो 15.7625% हमारा आंसर हो गया। ये कब हो गया, जब हमारा रेट दिया हो, टाइम भी दिया हो, टाइम कब दिया हो 3 ईयर, तो हम डायरेक्ट अपना सकते हैं
सी आई परसेंटेज इक्वल टू एस आई परसेंटेज डॉट एस आई इंटू आर कॉमा आर क्यूब, सब दशमलव दो अंक के बाद दशमलव दो अंक के बाद और डॉट जो बचा हुआ है एस आई परसेंटेज में ऐड कर देना है। तो यहाँ यहाँ आप लिख सकते हैं जो पहला वाला था वहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए आर क्यूब है तो 512, 12 को होल कर लेते हैं, 5 कैरी हो गया, लिख देते हैं 5 कैरी। उसके बाद एस आई इंटू आर कितना हो गया हमारा 192 हो गया, प्लस 5 कर दिए 197 हो गया, हम लोग 97 लिए और 1 क्या हो गया हमारा कैरी हो गया। और अब किसमें जोड़ दिए हम लोग, एस आई परसेंटेज में जोड़ दिए थे क्योंकि 24% था तो प्लस 1 25% हो गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्या समझ के होंगे, एक फोर ईयर का भी रहता है तो फोर ईयर का कैसे निकालिएगा आप वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए अब फोर ईयर का भी देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग फोर ईयर का भी जान लेते हैं कि फोर ईयर का जब भी रहे तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी फोर ईयर का रहे तो फोर ईयर को आप ब्रेक कर लीजिए किसमें, तो टू ईयर और टू ईयर में। तो टू ईयर का हम लोग सी आई कैसे निकालते हैं, तो आप एस आई परसेंटेज पर रेट का स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ए वाला हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टू ईयर का, तो ए प्लस में ए प्लस में ए इंटू ए बटा में 100, यानी कितना आ जाएगा हमारा, तो आपका आ जाएगा 21%, क्योंकि 10 प्लस 10 20 और 10 इंटू 10 100 और बटा 100 एक हो गया, तो यानी 21% आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 21% आ गया आपका, ठीक है। दो ईयर का कितना आ गया, 21% आ गया। तो दो ईयर का निकालने के बाद दोस्तों आपको ऐड नहीं करना है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 21% आ गया तो फिर जो ये वाला फॉर्मूला है फिर अप्लाई कर दीजिए, यानी 21 प्लस में 21 इंटू 21 बटा में 100, तो कितना आ जाएगा 21 तो 42 हो गया हमारा, और प्लस में 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है और बटा में 100, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, तो 42 प्लस में 4.41 तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 46.41% हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 46.41% हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि फोर ईयर का भी समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले रेट 10% दिया हुआ एग्जांपल में आप समझ रहे हैं, टाइम फोर ईयर, तो फोर ईयर को टू ईयर टू में डिवाइड कर लीजिए। तो टू ईयर का कैसे आप निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है ए प्लस ए प्लस ए इंटू ए बटा 100, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं एस आई परसेंटेज यानी रेट इंटू टाइम प्लस रेट का स्क्वायर दशमलव दो अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा हमारा, तो 21% हो गया हमारा और 21% हो गया। तो दो ईयर और टू ईयर में डिवाइड करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, चार ईयर का जब भी रहे टू ईयर का सी आई परसेंटेज और टू ईयर का सी आई परसेंटेज 21% आ गया। उसके बाद फिर आपको वही फॉर्मूला जो है ए प्लस ए अप्लाई करना है, यानी 21 प्लस 21 इंटू 21 बटा 100, तो कितना आ गया हमारा, तो 46.41% हमारा आ गया। तो दोस्तों ये हमारा फोर ईयर का था, जब भी फोर ईयर का देखे तो आपको समझ गए होंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों कुछ और भी बेसिक हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ फॉर्मूला है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर टू ईयर ये दो साल के लिए है, यदि आपको सी आई और एस आई दिया गया हो तो आप रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सी आई माइनस एस आई तो दिया ही रहा है आपको, तो सी आई माइनस एस आई बटा में 1/2 इंटू एस आई करना है इंटू में 100 करना है, तो ये आपका रेट निकल के आ जाएगा। ये कब एप्लीकेबल है, सिर्फ दो साल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 और n क्या है हमारा, ये n हमारा शो करा ईयर को, यानी कितना ईयर है। ये कब अप्लाई होगा दोस्तों, ये हमारे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई होगा। अमाउंट इसको क्या होता है हमारा, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 और पावर में क्या होगा ईयर का, n बराबर क्या है ईयर है, n शो करा ईयर को। दोस्तों ये था हमारा कुछ बेसिक, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद रहा हो तो हमारे चैनल मैथ्स टूल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।